अपने हुक्म और कठोर नियमों से रूढ़ी बना सऊदी अरब में आजकल बदलाव की लहर चल रही है। ये बदलाव एक बड़ी पहल से देखने को मिल रहा है, जिसके तहत सऊदी अपना कदम स्पेस मिशन की तरफ बढ़ा रहा है। ये बदलाव एक महिला अंतरिक्ष यात्री को स्पेस मिशन पर भेजने से जुड़ा हुआ है, जिसे सऊदी अरब द्वारा पहली बार भेजा जा रहा है। इस पहल का मुख्य वजह क्या है, इस पर हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले इस अंतरिक्ष यात्रा को लेकर सऊदी अरबिया की प्लानिंग क्या है उसे जान लीजिए। रूढ़िवादी देश सऊदी अरब इस पहल के तहत एक महिला अंतरिक्ष यात्री को स्पेस मिशन पर भेजने का फैसला किया गया है। ये महिला सऊदी अरब की पहली अंतरिक्ष यात्री रेहाना बरनावी है, जिसे इस साल के अंत में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की उड़ान के लिए भेजा जाएगा। इस मिशन पर रेहाना बरनावी के साथ सऊदी के अंतरिक्ष यात्री अली अल करनी भी होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो सऊदी अरब के दोनों अंतरिक्ष यात्री 2023 की दूसरी तिमाही में अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे। ये दोनों यात्री AX-2 स्पेस मिशन के क्रू में शामिल हैं और इनके फ्लाइट की लॉन्चिंग अमेरिका से होगी। इससे पहले साल 2019 में UAE के अंतरिक्ष यात्री हज्जा अल मंसूरी भी 8 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बिताकर आ चुके हैं। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात के सुल्तान अल नियादी भी इस महीने के आखिर में अंतरिक्ष की उड़ान भरेंगे। नियादी पहले अरब यात्री हैं जिनके नाम पर अंतरिक्ष में एक साथ 6 महीने बिताने का रिकॉर्ड दर्ज है। अपनी रूढ़िवादी सोच के कारण महिलाओं के पक्ष में सऊदी अरब भले ही पीछे हो, लेकिन पुरुषों को आगे करने में ये देश सभी मुस्लिम देशों में अव्वल है। इसका अनुमान साल 1985 के एक स्पेस मिशन से लगाया जा सकता है, जिसके तहत सऊदी युवराज सुल्तान बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज को अमेरिका के स्पेस मिशन के साथ अंतरिक्ष भेजा गया था। अब्दुल अजीज अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अरब मुस्लिम व्यक्ति बने थे। अपने पुरुष प्रधान सोच से आगे बढ़कर महिलाओं के प्रति इस बदलाव के पीछे की मुख्य वजह क्या है, इसे भी जान लीजिए। बदलती तकनीक के साथ ये दुनिया भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों और अन्य विकल्पों की तरफ जा रही है, जिससे आने वाले समय में तेल की अहमियत घटती जाएगी। ऐसी उम्मीद भी है कि आने वाले 15 से 20 सालों में तेल अपनी चमक खो दे। इसी बदलाव को देखते हुए सऊदी भी खुद की नीयत को बदलने की तैयारी में जुट गया है, क्योंकि आने वाले समय में तेल जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर इस देश की अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। इसलिए अपनी अर्थव्यवस्था की निर्भरता तेल पर कम करके दूसरी तकनीकी योजनाओं पर बना रहा है, ताकि दुनिया में होने वाले बदलाव के साथ खुद को स्थापित किया जा सके। चलते चलते आपको बता दें कि सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में सऊदी अरब में महिलाओं को पुरुषों के बिना भी विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही साल 2016 में इस देश में जो कामकाजी महिलाओं की संख्या 17% थी, अब वो बढ़कर 37% पर जा पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब के सिटी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।